गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अशोक तिवारी पंडित दीनदयाल लिमिटेड कॉलेज से ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित, हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। अब आज इस वीडियो में एक नया चैप्टर हम लिख रहे हैं, दो चर में रैखिक समीकरण। तो दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में जो रैखिक समीकरण होता है वह होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना, जहां ए तथा बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए और बी की में से किसी का मान भी अगर जीरो हो जाए तो समीकरण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां ए तथा बी जीरो न हो, को दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। तो दो चर में रैखिक समीकरण जो व्यापक रूप होता है, ये जो है दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो ये ध्यान रखना, दो चर में रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप होता है, इसको हम दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। अब इसमें जो है, इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि दो चर में रैखिक समीकरण जो होता है, कोई भी समीकरण, वह एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ दो समीकरण लिए हैं, तो यह समीकरण भी एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेगी और यह समीकरण भी एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेगी। अगर उन दोनों रेखाओं को हम ग्राफ पेपर पर खींचे तो उसमें दो तीन स्थितियां बनती हैं। नंबर एक, दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हुए जाएंगी। नंबर दो, दोनों रेखाएं परस्पर समपाती होंगी, अर्थात एक रेखा जिन बिंदुओं से होकर जा रही है दूसरी रेखा भी उसी बिंदु से होकर जाए, तो ऐसी रेखाओं को हम समपाती कहते हैं। और तीसरी स्थिति होती है कि वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर चली जाए, यानी कहीं एक दूसरे को न काटे। तो उसी को हम लोग उसी का अध्ययन करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं समीकरणों में, प्रथम समीकरण में x का गुणांक है ए वन, द्वितीय समीकरण में y का गुणांक है बी वन, प्रथम समीकरण में y का गुणांक बी वन और अचर पद है सी वन। इसी प्रकार से द्वितीय समीकरण में x का गुणांक ए टू, y का गुणांक बी टू और अचर पद सी टू। तो ये जो गुणांक और अचर पद हैं, इनकी सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि अगर दो समीकरण दिए गए हों तो उन दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं का व्यवहार क्या होगा, अर्थात वो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हुई जाएंगी, अथवा दोनों रेखाएं एक समान बिंदुओं से होकर जाएंगी, अथवा परस्पर समांतर जाएंगी, इनकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए ये प्रतिबंध है, ये याद रखना है। नंबर एक, पहला प्रतिबंध है, यदि ए वन अपान ए टू, अर्थात एक्स के गुणांकों का अनुपात नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, अर्थात वाई के गुणांकों का अनुपात। कह रहा है कि यदि एक्स के गुणांकों का अनुपात और वाई के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर न हो, तो उस स्थिति में इन दोनों रेखाओं का एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, केवल एक बिंदु पर। जब दोनों रेखाएं, याद रखना, किसी एक ही बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई जाएं, तो उन रेखाओं का जो हल होता है वह एक अद्वितीय हल कहलाता है। तो यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो,
का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। नंबर दो, यदि यदि a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात आपस में बराबर है तो याद रखना, तो वो दो समीकरण निकाय के अंततः, निकाय के अंततः अनेक हल होंगे, अंततः अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का मतलब क्या होता है? अनेक हल होने का मतलब होता है कि जिन बिंदुओं से होकर प्रथम ये जो पहली रेखा जाएगी उन्हीं बिंदुओं से होकर दूसरी रेखा भी जाएगी, अर्थात दोनों रेखाएं परस्पर संपाती होंगी। तो जब दोनों रेखाएं परस्पर संपाती होती हैं तो उन समीकरणों का एक नहीं अनेक हल, अनंत हल प्राप्त होते होंगे, क्योंकि वो दोनों रेखाएं अनंत बिंदुओं से होकर जाती हैं। इसलिए उन दोनों रेखाओं या दोनों समीकरणों के अनंत हल प्राप्त होते हैं। तो उसका प्रतिबंध है यदि a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात, अचर पदों का अनुपात आपस में बराबर है, तब उस स्थिति में बता सकते हैं उन समीकरणों के एक नहीं अनेक हल प्राप्त होंगे, यानी अर्थात अनंत हल प्राप्त होंगे। तीसरा प्रतिबंध है यदि a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, हो दो समीकरण निकाय का कोई हल, समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होता, कोई हल प्राप्त नहीं होता, नहीं होता है। अर्थात अगर x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर है, x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर है, लेकिन अचर पदों का अनुपात एक के बराबर नहीं है, तो याद रखना उस समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। अर्थात उन समीकरणों से अगर हम रेखाओं को खींचें तो वो रेखाएं परस्पर समांतर जाती हैं, अर्थात एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। तो ये तीन प्रतिबंध हैं, इन तीनों प्रतिबंधों को याद रखोगे, इसके साथ साथ एक बात और याद रखना कि प्रतिबंध प्रथम अद्विति इस स्थिति में समीकरण निकाय संगत होते हैं। इनको कहा जाता है कि समीकरण निकाय संगत है या सुसंगत है। लेकिन जो तीसरा प्रतिबंध है जिसमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है, यह समीकरण निकाय संगत नहीं होते हैं, अर्थात असंगत होते हैं। तो इन दोनों प्रतिबंधों में समीकरण निकाय को संगत माना जाता है, लेकिन इस प्रतिबंध में समीकरण निकाय को असंगत माना जाता है, इसको ध्यान में रखना। तो यह समझ में आ गया होगा। अब इस पर आधारित हम सवाल अगले वीडियो में देंगे, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और ये प्रतिबंध जो है तैयार कर लेना, याद कर लेना, ताकि जब सवाल हमको हल करना हो इससे संबंधित तो वो सवाल हम हल कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।